काली पूजा में सरकारी गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से प्रशासन और समितियों के बीच असमंजस। भागलपुर में काली पूजा को लेकर सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से प्रशासन के साथ पूजा समितियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शहर में शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने को लेकर कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा मेड़पति भी शामिल हुए। पूजा समितियों का कहना है कि अधिकांश जगहों पर मां काली की प्रतिमा का निर्माण कर लिया गया है। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना के बाद पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती है। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति के सदस्यों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ मूर्ति विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा के समय जो गाइडलाइन जारी की गई थी, संभवतः वही गाइडलाइन काली पूजा के लिए भी रहेगी। पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार ने कहा कि जाम व ट्रैफिक की समस्या के लिए भी प्रशासन मुस्तैद रहेगी। बैठक में प्रकाश चंद्र गुप्ता, एजाज अली, रोज महबूब, आलम चंद, अनिल कुमार झुनझुनवाला, अनवर खान, अमरेंद्र यादव, महावीर झुनझुनवाला, रेणु सिंह, इंदु सिंह, मानिक पासवान, जीव मंडल, जयनंदन आचार्य, राजेंद्र भगत, रामलाल दास समेत शहर के अन्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय काली महारानी पूजा समिति के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर पूजा विसर्जन और शोभा यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। R9 भारत के लिए अतीश दीपंकर की रिपोर्ट, भागलपुर, बिहार। खाद व्यवसायी पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले के खाद बीज व्यवसायियों में काफी आक्रोश। खाद व्यवसायी के पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले के खाद बीज व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के विरोध में जिले भर के खाद बीज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर आक्रोश जताया। दुकानें बंद रहने के कारण बाहर से आए किसानों को उठानी पड़ रही है परेशानी। मालूम हो कि कल गुरुवार को अपराधियों ने भावनाथपुर के खाद व्यवसायी अनुज देव सिंह के पुत्र शिवम की हत्या गोली मारकर उस समय कर दी जब वे पैसे जमा कराने के लिए बैंक जा रहे थे। घटना के बाद अपराधी शिवम के पास से 25 लाख रुपयों से भरी थैली लेकर फरार हो गए। घटना के विरोध में खाद बीज व्यवसायी संघ का एक शिष्टमंडल अपर समाहर्ता से मिला और ज्ञापन देकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, एक सप्ताह के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे जिले के खाद बीज व्यवसायी अनिश्चितकालीन के लिए अपनी दुकानें बंद कर देंगे। साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। बताया जाता है कि मृतक शिवम के पिता अनुजदेव सिंह के साथ इसके पहले भी लूटपाट की घटना की गई थी, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए छीन लिए गए थे। चूंकि अभी स्कूल वगैरह बंद है तो वो बच्चा वहीं काउंटर पे भी इस समय खाद की, बीज की, कीटनाशी दवा की बहुत ज्यादा बिक्री है। और उनके काउंटर पर दुर्गा माई का मेला जो लगता है उस टाइप से मेला लगा रहता है और स्टाफ पर इतनी रकम का भरोसा करना उचित नहीं आज के समय। 3 दिनों से बैंक ने मदद क्यों नहीं दी 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम के लिए। के बाद उस टाइम में हम लोगों ने उन्होंने थाना प्रभारी से या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बहुत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनमें से एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग SP साहब के यहाँ जा रहे हैं, DM साहब के यहाँ दे दिए हैं, सूचना दे देते हैं। यदि एक सप्ताह के अंदर 15 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, हम लोग को अगर उचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मेरा संदीप फर्टिलाइजर एजेंसी भागलपुर। कोई एसोसिएशन भी है आप लोगों का? हम व्यवसायी थे और ऐसे घटना हो गई है 5 तारीख को खेरैया में, तो उसी सिलसिले में आए थे। पिछले बार भी एक साल पूर्व ऐसी घटना हुई थी तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इसको संज्ञान में देते हुए इसमें कार्रवाई आवश्यक की जाए और शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, ताकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें दहशत हो। तो इसी सिलसिले में आए थे और ज्ञापन इन्होंने दिया है, हमने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई। R9 भारत के लिए अतीश दीपंकर की रिपोर्ट, भागलपुर, बिहार। ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, स्थिति नाजुक। जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 मकनपुर चौक पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों इलाज के लिए डॉक्टर महेंद्र शर्मा
यहाँ भागलपुर आ रहे थे कि इसी दौरान पीछे से आती तेज रफ्तार एक ट्रक धक्का देते हुए फरार हो गई। अंकुर सेला से दीरा से पार होके जा रहे थे नाथनगर डॉक्टर के यहाँ, लकवा पेशेंट था। तीन बापू थे, हम और भाई और पापा। भाई पीछे से दस चक्का आया, धक्का मार के भागते चला गया। क्या चीज से थे आप? मोटरसाइकिल से। ट्रिपल लोड थे आप लोग? हाँ। तीनों घायल हुए हैं? हाँ। क्या क्या हुआ? बस पापा का सिर फटा है, भाई को भी इसमें चोट लगा कनपट्टी में, और हमको भी लगा। अच्छा अच्छा। किधर से आ रही थी और किधर जा रही थी? सेला से आ रहे थे भागलपुर की तरफ। आप और ट्रक? ट्रक भी पीछे से आ रहे थे। दस चक्का भाग गया हुआ? भाग गया। क्या क्या नाम है तीनों का? हमारा नाम है मनोज मंडल, भाई का नाम संजय मंडल, पापा का नाम है आनंद मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? एक चारी दियारा बालूटला। अति पंचायत? पंचायत एक चारी पंचायत। थाना क्या पड़ता है? एक चारी।